20 अप्रैल तक देश के हर शहर हर जिले का इवैल्यूएशन किया जाएगा और किस डिस्ट्रिक्ट और किस रीजन में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, केसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, उसका एक इवैल्यूएशन किया जाएगा। उस संबंध में उन्होंने कहा था कि इवैल्यूएशन करते हुए एक डिटेल्ड गाइडलाइंस आज इशू की जाएंगी, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक डिटेल्ड डायरेक्शन आज स्टेट्स को जारी की है। उसमें हमने स्टेट से स्पेसिफिकली कहा है कि हमें इस लॉकडाउन की अवधि का सदुपयोग करना है। अब तक हमें जो सफलता कोविड मैनेजमेंट के स्प्रेड को मैनेज करने में मिली है, उसको हमें फर्दर कंसोलिडेट करना है। इसके तहत देश के हर जिले, उसको हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स, नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स लेकिन वहाँ पर केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं, और ग्रीन जोन डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर कि कोई केसेज नहीं आए हैं, उसमें बांटा गया है। हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट का मुख्य क्राइटेरिया है वह जिले जहां पर या तो ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेज ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो डबलिंग रेट ऑफ केसेज वहां पर कम है। आज उसी संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज, DGPs, हेल्थ सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के साथ एक डिटेल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस ली गई थी, जिसमें हमने मुख्यतः उन्हें हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डिटेल बताते हुए कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी फील्ड लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करनी है उसके बारे में फिर से एक ओरिएंटेशन एक्सरसाइज की है। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्हें लार्ज कंटेनमेंट आउटब्रेक स्ट्रैटेजीज, लार्ज आउटब्रेक कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज और क्लस्टर स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में बताया है। उस स्ट्रैटेजी के संबंध में कैसे कंटेनमेंट जोन, कैसे बफर जोन को डिलीनेट करना है उसके बारे में बताया गया। कंटेनमेंट जोन में किस तरीके से प्रॉपर पैरामीटर मैपिंग, क्लियर एग्जिट और एंट्री पॉइंट डिफाइन किए जाएं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। वहां पर जो हमारी कंटेनमेंट जोन होगी, एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल सर्विसेज, बाकी कोई भी मूवमेंट और एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में स्पेशल टीम्स के द्वारा केसेस की एक एक्टिव सर्च की जाएगी, वहां पर सैंपलिंग क्राइटेरिया के तहत सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और उन सैंपल्स की टेस्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन के बाहर के एरिया को, जिसको हम बफर जोन कहेंगे, वहां पर भी सभी हेल्थ फैसिलिटीज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको ओरिएंट किया जाएगा और वहां पर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर रेस्पिरेटरी एक्यूट सिंड्रम, जो उस टाइप के ब्रेथलेसनेस रिलेटेड केसेज होंगे, उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। हमारी तैयार की गई ये स्पेशल टीम्स जो कि कंटेनमेंट जोन में काम करेंगी, वे सभी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करेंगी और साथ ही हाउस टू हाउस विजिट भी करेंगी। इस टीम्स में हेल्थ स्टाफ के अलावा लोकल रेवेन्यू स्टाफ, लोकल कॉरपोरेशन स्टाफ और साथ ही जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जैसे कि रेड क्रॉस, NSS, नेहरू युवा केंद्र, उन सब वॉलंटियर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हाउस टू हाउस सर्वे के द्वारा हम उस केस में, उस एरिया में जिसमें भी सर्वे होगा कंटेमिनेट एरिया में, उसमें फीवर, कफ और ब्रेथलेसनेस से रिलेटेड केसेस को आइडेंटिफाई करते हुए उन पर एज पर प्रोटोकॉल एक्शन लेंगे। साथ ही डेली इवनिंग जो भी डेटा फील्ड सर्वे के हिसाब से आएगा, उसको जिला स्थाई पर आइडेंटिफाई करते हुए फोकस एरियाज ऑफ इंटरवेंशन बनाए जाएंगे और उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। इस कार्य में हेल्थ स्टाफ, रेवेन्यू स्टाफ के अलावा जिला स्तर पर कभी काम करने वाले सभी डिपार्टमेंट के स्टाफ को ओरिएंट किया जाएगा, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। एज आई मेंशनड अर्लियर, हमारा रिस्पांस कोविड के संबंध में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच रहा है। इसके साथ ही जिलों को बताया गया है कि वे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बनाएं, माइल्ड केसेस के लिए कोविड केयर सेंटर्स, सीवियर केसेस के लिए जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट फैसिलिटी उपलब्ध हो उसके लिए कोविड हेल्थ सेंटर्स, और क्रिटिकल केसेस जहां पर वेंटिलेटरी सपोर्ट भी उपलब्ध हो उसके लिए कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जाएं। हमने उनको स्पेशली क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पॉजिटिव केसेस के बारे में फोकस करने के लिए कहा है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट इज एक्चुअली ए मेजर की इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव पेशेंट मैनेजमेंट। हमने उनसे कहा है कि एम्स की जो कॉल सेंटर को हमने बनाया है, उसका इस्तेमाल करते हुए पेशेंट का क्लिनिकल मैनेजमेंट एज पर प्रोटोकॉल हो और पूरा यत्न किया जाए कि कोई भी पेशेंट, कोई भी केस हमारा फेटेलिटी में कन्वर्ट ना हो।
हर केस को जिला स्तर पर सीनियर स्थाई पर डे टू डे क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए मॉनिटर किया जाए। जिले को फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जैसे कि जो हमारे रिस्क केसेज होते हैं उनके लिए HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के अलावा नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एटिकेट्स को भी प्रमोट करने के लिए कहा गया है। जिलों को स्पेशली कहा गया है कि जो भी हेल्थ स्टाफ या जो वॉलंटियर इस कार्य में जुड़े हैं उन सबको प्रॉपरली ओरिएंट किया जाए, उनको इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाए और रेलेवेंट स्टाफ को क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए। इसमें उनसे ये भी कहा गया है कि हमें केसेस के आने की वेट नहीं करनी है, हमें टीम्स पहले से बना के उनको ओरिएंट कर रेडी रखना है। उनसे कहा गया है कि इसके लिए संबंधित ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल iGOT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल किया जाए। जो जिले आज केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हॉटस्पॉट की कैटेगरी में नहीं आते हैं उन पर भी उसी मोमेंटम और उसी अटेंशन से काम करने की ज़रूरत है। ये हमारे पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, वहाँ पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान के हिसाब से कार्य किया जाए। हाँ, वहाँ पर भी हमारा फोकस हो कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, सर्वेलेंस करें, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें ताकि इन इलाकों में भी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकें। साथ ही जो हमारे नॉन इफेक्टेड जिले हैं वो नॉन इफेक्टेड ही रहें, उन पर कार्य करने की ज़रूरत है। वहाँ पर हमें कम्युनिटी से एंगेज करते हुए अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना है, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बनाने हैं और उनके साथ ही ILI दैट इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की मॉनिटरिंग करनी है, उनसे रिलेटेड टेस्टिंग करनी है। हमारा एफर्ट रहे कि इन जिलों में कभी भी कोई केस ना आए, हमें ये सारे कार्य कम्युनिटी को जोड़ते हुए, कम्युनिटी को साथ लेते हुए करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आप सबको कहा है, रिक्वेस्ट की है कि हमारे पूरे एफर्ट्स शुरू से ही समस्त समाज और संपूर्ण सरकार को मिलकर कार्य करने से रहे हैं। हमें सभी जिलों को कहा है कि वो एक जिले लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर COVID-19 बनाएं। जिलों को कहा गया है कि एक की फेलियर पूरे देश की फेलियर का कारण हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि कंटेनमेंट प्लान पूरे देश में हर जिले में यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट हो। सबकी इंडिविजुअल सक्सेस ही देश की सक्सेस का कारण बनेगी। हमें कॉन्स्टेंटली अलर्ट पर रहना है और हर तरीके से इस बैटल में सक्सेसफुल होना है। धन्यवाद।